नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई कहीं भी अच्छी चल रही होगी। तो टाबरो आपा के करण आ गया, राजस्थान जीके स्टार्ट कर रहा। क्यों राजस्थान जीके में अपने क्या कर रहे थे? अपने कल किया था विश्व का, भारत का और राजस्थान का क्षेत्रफल किया था। क्या किया था? विश्व का, भारत का और राजस्थान का क्षेत्रफल किया था। अपने छोटे छोटे टॉपिक पहले कर लेते हैं ज्योग्राफी में, उसके बाद बड़े टॉपिक चलेंगे जिसमें दो तीन क्लास है, चार क्लास भी हो सकती है। तो आप धैर्य बनाए रखें, भी ऐसे ना सोचे भी सर छोटे छोटे टॉपिक की क्यों करा रही हूं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। किसी चीज में इंटरेस्ट होगा तभी आप सक्सेसफुल होगे। ऐसे नहीं है भी वीडियो देख ली और नकी हो गया काम, नहीं, अपने याद भी करना है साथ साथ, क्योंकि छोटे टॉपिक है उनको याद करने में आसानी होती है। और जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आते हैं उसी में बच्चा रहता है। बड़े टॉपिक तो सभी याद करेंगे, सभी रट्टा चढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपसे सीधा पूछ लिया भी राजस्थान का वर्ग मील में क्षेत्रफल क्या है, तो बट्टे देंगे मौर्या बोल जाएगा। के बोल जाएगा मौर्या, वर्ग मील में तो कभी पूछी देखी कौन। तो अपने छोटे छोटे टॉपिक है वो करेंगे पहले, बाद में बड़े टॉपिक करेंगे, क्योंकि बड़े टॉपिकों पर सभी बच्चे ध्यान देते हैं, छोटे टॉपिकों को छोड़ देते हैं। इसीलिए बड़े पहले छोटे छोटे टॉपिक करें। आज अपने बढ़िया सा टॉपिक करेंगे, फ्री फंड के नंबर आते हैं इसमें, सबको पता है, सबका पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं अपने। लेकिन मेनली क्या है उसमें सन भी है, कई कई सन है याद नहीं होते गुरु जी, बाकी तुम्हारे सारों किया है लेकिन सन को याद रहे। तो आज अपने क्या करेंगे, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है। तो गुरु जी बनावे है, हाँ आवे टावरों थाने सारों किया है, थे उशार टावरा माओ तो थाने क्या है प्रतीक चिन्ह भी है। गुरु जी ये तुम्हें पहली क्लास में पढ़ा, सारों की पढ़ो क्योंकि थाने जानते ही स्कूल में लगा दिया। तो प्रतीक चिन्ह तो आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन इनमें भी आगे कुछ कुछ चीजें हैं वो आपको याद करनी। पहले अपने बात करते हैं प्रतीक चिन्ह है कौन कौन से, कौन कौन से है। एक हो गया चिंकारा, ये क्या है अपना राज्य पशु, क्या है अपना राज्य पशु। एक हो गया गुडावण, गुडावण गुरु जी वो क्यों है, सोन चिड़ी कहना तो सुनेड़ी होनी थारी, सोन चिड़ी यानी भी नहीं गुडावण कह, क्या ठीक है सोन चिड़ी नहीं गुडावण कह। तो ये क्या हो गया अपने राज्य पक्षी, क्या हो गया राज्य पक्षी। तीसरा कौन सा हो गया, रोइडा, ये क्या हो गया अपने राज्य पुष्प, क्या हो गया राज्य पुष्प। एक आपने बढ़िया सा पेड़ है जो आप कई बात पर गौर कौन करा, लेकिन यह है कि जब अकाल पड़े हो नहीं छपनियों काल था सुनेड़ो 1956 विक्रम संवत में पड़े हो, तो भी मेरी लोग है नहीं का खेजड़ी का केक खा गया, छोटा ही खा गया, रोटी कौन मिली बने केक खा गया, पिज्जो समझ गए छोटा ही खा गया। तो छपनी अकाल में अन पेड़ है नहीं वो बहुत साथ दियो। तो ये अपना क्या है राज्य वृक्ष है, क्या है राज्य वृक्ष है, जिसे आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्यों चल रहा है, सभी प्रदीप जी मिश्रा जैसे शिव जी की कथा सारा ही सुना है भी, मैं बारी बारी भी कह नहीं, आप समी वृक्ष को, समी वृक्ष के चढ़ाया करो फूल, समी वृक्ष को चढ़ाया करो। तो उस टापरो समी वृक्ष खेजड़ी नहीं कह, थारी जो मावा है नी बने समझाइयो कह, शमी को पेड़ ले आके दियो मान, शमी को भुंटो ले आके दियो बने, या कि यो शमी की ने कवे खेजड़ी नहीं कवे, कि ने कवे खेजड़ी, थारा घर खेताम लागड़ी होसी और लगभग टाबरा ने देखड़ी होसी, ना देखड़ी तो थारो की कौन देखड़ो दुनिया, खेजड़ी तो सारा ने देखड़ी है, देखड़ी है तो सारा खेजड़ी के अपनो राज्य वृक्ष। एक आपा के पटा के ऊंट बड़े बनायो ऊंट, आपने कह नहीं बड़े बनायो ऊंट, ऊंट कईयां कहने नहीं कहो तो बने बने ऊंट है, लेकिन ऊंट शब्द का अर्थ क्या होता है, सुंदरता। ऊंट शब्द का आपने कभी जिक्र किया होगा या कहीं पे देखा होगा तो उसका अर्थ क्या होता है, सुंदरता। तो आप ऐसे मतलब अपने वैसा मत समझे करो भी हमें गाड़ियां निकाल रही है, आपने कहीं घर का कहते नहीं ओ तो बने बने ऊंट है, तो इं कह समझे करो थाने ये कहे वो तो सारों सुनो है। ऊंट क्या है अपना, ये राज्य पशु है, क्या है राज्य पशु है, ये वन्य जीव श्रेणी का है, जो चिंकारा है ये वन्य जीव श्रेणी का जो वनों में पाया जाता है, और ये क्या है ये पशुधन श्रेणी का है। पशुधन श्रेणी का मतलब हो गया ये पालतू पशु है, ठीक है।
सबसे पहले अपने को याद करना है क्या इनके सन, क्या करना है इनके सन, इनको राज्य वृक्ष या राज्य पशु या राज्य पक्षी कब घोषित किया गया। मेनली बात तो आ याद करनी है, थनेर सरो याद है, राज्य पशु की सो है, राज्य पक्षी की सो है, राज्य पुष्प की सो है, राज्य वृक्ष की सो है, वो ऊंट भी याद है थनेर तो, क्योंकि 2014 में घोषित होगी। तो इनके सन याद करने हैं, ये अपने पशु आप याद करना है, पशु पक्षियों के नाम याद करो, तो पशु ने और पक्षी ने दोनों ने इकट्ठा रखना है, पशु ने और पक्षियों को, पुष्प और वृक्ष, पुष्प बनाएंगे पहला फिर वृक्ष बनाएंगे, तो इन दोनों को इकट्ठा रखना है। इनका जो दर्जा मिला वो मिला 1981 में, और ये थोड़ा सा लेट हो गया, ये लेट हो गया तो 1983 में, अन्य दो साल बाद में दर्जा मिलो भी ए राज्य वृक्ष है, राज्य पुष्प आपने किसो है, रोइड और राज्य वृक्ष कौन सा है, तो वो है खेजड़ी। इनकी अपने विस्तृत चर्चा करेंगे, तो आप अपने ये थोड़ा सा नोट कर लो, ये क्या है अपने प्रतीक चिन्ह है। पहले करेंगे अपने चिंकारा, क्या करेंगे चिंकारा, चिंकारा क्या है अपना, ये है राज्य पशु, तो चिंकारा क्या है राज्य पशु, तो इसको दर्जा कब मिला गया, वो मिला 22 मई 1981 को, कब मिला 22 मई 1981 को इसे राज्य पशु का दर्जा मिला। दूसरी बात टाबरुई में की है, जूलॉजिकल नेम कई बार पूछ ले क्यों एग्जामिनर को की चीज भी पूछ के, तो इसका जूलॉजिकल नेम या अपने कहते हैं वैज्ञानिक नाम, आर्ट्स वाले बच्चे हैं याद नहीं होता, लेकिन के कर का के करा नौकरी लगाना तो याद है करना पड़ती। जूलॉजिकल नेम क्या होता है इसका, गजेला गजेला, क्या होता है गजेला गजेला, गदेला गदेला को नहीं, गजेला गजेला, क्या गजेला गजेला। तीसरी बात इसमें क्या कहते हैं, ये सबसे अधिक कहां पे पाए जाते हैं, सबसे अधिक कहां पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जोधपुर में, कहां पर पाए जाते हैं जोधपुर में, कहां पर पाए जाते हैं जोधपुर में। इसका अन्य नाम भी है एक, इसे क्या कहा जाता है छोटा हरिण, छोटा हरिण बहुत ही सुंदर जीव होता है, एक थोड़ा शर्मिला होता है क्योंकि सुंदर होते हैं वो, थोड़े शर्मिले होते हैं, बहुत ही सुंदर जीव होता है छोटा हरिण, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसी पे एक जीव है, कौन सा चिंकारा, राम जी छोटो सो का है, सीता का है, मने हिरण बढ़िया लगा, वो हिरण कौन है लेकिन वो वही की है चिंकारो ही है, बहुत ही सुंदर जीव होता है हरिण होता है, बहुत छोटा सा होता है, तो सीता माता राम जी से आग्रह करती है कि हम मुझे ये चाहिए, और राम जी को वो दूर ले जाता है, होता है वो क्या है रावण होता है, क्या होता है रावण, राम सीता जी को उठाने के लिए हिरण का रूप लेता है, तो वो ये चिंकारा जो उस टाइम, तो ये कितना पुराना है, किस टाइम राम जी के युग युग में भी क्या था चिंकारा था, तो छोटा हरिण किसका नाम है, वो है चिंकारा का नाम, किसका नाम है चिंकारा का नाम। दर्जा कब मिला 22 मई 1981 को, जूलॉजिकल नेम क्या है इसका गजेला गजेला, सबसे अधिक कहां पे पाए जाते हैं जोधपुर में, अन्य नाम क्या है इसका छोटा हरिण, क्या नाम है छोटा हरिण। दो तीन बातें हो रहे हैं टाइम बे नोट कर लेते हैं, के है चिंकारा, आपको मैंने शुभंकर कहे थे, किस क्या आपको पता है चिंकारा किसका शुभंकर है, कमेंट में जरूर बताना, लेकिन आपको मैं पहले बता दूं चिंकारा गंगानगर जिले का शुभंकर है, गंगानगर जिले का शुभंकर है, और इसकी प्रजाति कौन सी है, तो वो कौन सी है एंटीलोप प्रजाति, कौन सी है एंटीलोप प्रजाति, आ याद करना ही है एंटीलोप प्रजाति, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा राज्य पशु तो आपको पता है लेकिन राज्य पशु की प्रजाति कौन सी है, तो वो है एंटीलोप, कौन सी है एंटीलोप, ठीक है। अब बात करते हैं
एक चिंकारा नाम से भी तत्ववादी यंत्र भी है। क्या है अपने वाद्य यंत्र जब पढ़ेंगे, इसमें एक तत्ववादी यंत्र होता है जो जिसमें तार लगे होते हैं, तत्ववादी यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं उसमें कौन सा एक वाद्य यंत्र है, उसका नाम भी एक चिंकारा है। क्या है चिंकारा? तो वो चिंकारा नहीं है, ये जीव है, वो वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब इसका रंग कैसा होता है? अखरोटी रंग का होता है, अखरोटी रंग का। अखरोट तो खड़ा उसी, अखरोटी रंग का सुंदर जीव होता है, सुंदर जीव होता है। और इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है? वो है नारगढ़ अभयारण्य। प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है? नाहरगढ़ अभयारण्य। गुरु जी नारगढ़ अभयारण्य में तो कभी गए ही नहीं, तो ये कहां पे है? टावरो जागे आइयो, बहुत ही सुंदर अभयारण्य है। तो कहां पे है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। कहां पे है? जयपुर ग्रामीण के अंदर, ग्रामीण के अंदर, जहां पे क्या है व्हाइट रंग का बाघ भी है। देख क्या ना, बहुत बढ़िया चीज है। कभी आप जयपुर में दौरा करो या एग्जाम देने जाओ तो पहले घूम के आना। एग्जाम जो तो ऐसे होते रहते हैं, कई बच्चे तो फॉर्म भरते हैं वो घूमने के लिए ही भरते हैं, मेनली बात तो ये है। ठीक है, कई आप भरे जगह क्यों भरे, कई बातों से मिल जाओ जयपुर की कोई हुआ है। तो अपने क्या किया आज प्रतीक चिन्ह में, क्या किया है? चिंकारा किया है। क्या किया है? चिंकारा किया है। राज्य अब करेंगे, राज्य पक्षी। राज्य पक्षी कौन सा है? वो अपने गोडावण। अपने ये दो दो क्लासों में कंप्लीट करेंगे, आज की क्लास में ओनली एक ही करवाए, वो करेंगे। जो तीन चार रहेंगे वो कल की क्लास में करेंगे, कल की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, आज थोड़ा समय कम है, समय का अभाव है, इसीलिए आज इतनी क्लास लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।